Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Now we are going to start a new chapter, that is playing with numbers. Now the first topic that comes into the chapter is factors and multiples. So what are factors and what are multiples? So factors or multiples ko samajhne ke liye pehle hum maan lijiye ek example lete hain 12. Theek hai? Ab hum 12 ko लिख सकते हैं 1 × 12, राइट. फिर और किसके टेबल में 12 आता है? 2 के टेबल में आता है. कब आता है? 6 पे. तो 2 6 12. फिर और किस, फिर उसके बाद किस 3 के टेबल में आता है? आता है 3 × 4. फिर उसके बाद हम 4 को देखते हैं. 4 के टेबल में 3 आता है. 4 के टेबल में 12 आता है? आता है. किस पे आता है? 4 × 3. ठीक है. फिर हम देखते हैं 5 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 6 के टेबल में 12 आता है? यस. तो 6 × 2. फिर उसके बाद 7 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 8 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 10 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 11 के टेबल में 12 आता है? नहीं. 12 के टेबल में 12 आता है. तो हम लिख सकते हैं 12 × 1. अब आप एक चीज़ नोटिस करिए. 1 12 12 1 2 6 6 2 3 4 4 × 3. तो आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना होता है जब तक नंबर रिपीट ना होने शुरू हो जाए. तो आपने देखा यहाँ के बाद नंबर रिपीट हो रहे थे. हमारे पास ये पहले भी आ चुका 3 × 4, अब 4 × 3. तो इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12. तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स, आर द फैक्टर्स ऑफ 12. द फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब 12 इन सबके टेबल में आता है. तो ये हो गए फैक्टर्स. और वहीं पे 12 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6, 12. मतलब 12 जिन जिन के टेबल में आता है उन उनका वो मल्टीपल है. समझे आप? ये इसके फैक्टर्स हैं और 12 इनका मल्टीपल है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द नंबर. मतलब जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइड करता है नंबर को. तो 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 12 को, 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 12 को. एंड व्हाट इज मल्टीपल? नंबर इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. मतलब जो नंबर होता है वो अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल होता है. एक छोटी सी लैंग्वेज में बताऊं तो आप इसको ये ऐसे देख सकते हैं कि जिन जिन के टेबल में 12 आता है वो सारे उसके फैक्टर्स हैं, और 12 जिन जिन के टेबल में आता है 12 उनका मल्टीपल है. समझ गए? लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल. मान लीजिए हम लेते हैं 6. तो 6 को करना शुरू करते हैं. 1 के टेबल में 6 आता है? आता है. 1 × 6, राइट. 2 के टेबल में 6 आता है? आता है. 2 × 3, ठीक है. फिर 3 के टेबल में 6 आता है? यस. 3 × 2, राइट. फिर 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं. 5 के टेबल में 6 आता है? नहीं. 6 के टेबल में 6 आता है? यस. 6 × 1. फिर आपने देखा ये यहाँ से फिर रिपीट होने लगे, तो हमें इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है. क्यों? क्योंकि इन सब के टेबल में 6 आता है. और वहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 2,
2, 3, 6 क्यों? क्योंकि 6 इन सबके टेबल में आता है, तो ये 6 इन सबका मल्टीपल है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हमने 12 का एग्जांपल लिया तो 1 12 का भी फैक्टर था, हमने 6 का एग्जांपल लिया तो 1 6 का एग्जांपल फैक्टर था, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब कोई भी नंबर दे रखा हो और आपसे उसका फैक्टर पूछे तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब हम 6 को लेते हैं तो 6 का एक फैक्टर 6 होता है, राइट? हमने जब 12 का एग्जांपल लिया तो 12 का भी एक फैक्टर 12 होता है। और भी अगर हम कोई भी एग्जांपल लेंगे तो हम देखेंगे सब में नंबर इज इटसेल्फ इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना भी एक फैक्टर होता है। ओके, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो फैक्टर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 6 ये फैक्टर हैं 6 के, और 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो जो भी होते हैं या तो वो उस नंबर से कम होते हैं या उस नंबर के बराबर होते हैं। 1 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 4 12 से छोटा है, 6 12 से छोटा है, 12 12 से छोटा है, 12 12 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एक कंक्लूजन और, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। समझ में आया आपको कि हर एक फैक्टर या तो उससे कम होगा उस नंबर से या उसके बराबर होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 6 इसके फैक्टर हैं और सारे 6 से छोटे हैं या 6 से बराबर है। ये तो हुई प्रॉपर्टीज तीसरी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। वो कहती है कि एवरी नंबर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि हम उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब आप देखो हर नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं हम इसे गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 चार फैक्टर्स हैं इसके। 12 के हम कितने गिन सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं, तो हम इन्हें गिन सकते हैं ना। दैट्स इट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। आपने देखा 6 के टेबल में भी आता है, तो 6 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 6। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, जैसे वो फैक्टर इट्सेल्फ होता है ऐसी ये मल्टीपल भी होता है। फिर हम देखते हैं इसमें था एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, या तो फैक्टर कम होता है या इक्वल होता है, लेकिन मल्टीपल जो होता है इनसे बड़ा होता है या इक्वल होता है। 6 मल्टीपल है 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी या 6 का। तो हम इस केस में उल्टा हो गया, तो यहाँ पे जो था लेस देन हम लिखेंगे एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ओके,
नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें हमारा तो फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर बट आर इनफाइनाइट, मतलब हम उन्हें गिन नहीं सकते. क्यों? अगर हमसे पूछे कि वन का मल्टीपल क्या है, वन का मल्टीपल वन भी होता है, टू भी होता है, थ्री भी होता है, फोर भी होता है, फाइव भी होता है, सिक्स भी होता है, और आप इसको काउंट करते जाओ, हर एक नंबर वन का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक है. तो इसलिए इनफाइनाइट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ये था इस वीडियो का आज का टॉपिक.